मेरे इंस्टाग्राम पर एक गिव अवे चल रही है जहाँ पर आपको 4 नेचुरल प्रोडक्ट्स मिलेगी, तो मेक श्योर इस वीडियो के बाद आप मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट जरूर चेक करें। माय इंस्टाग्राम अकाउंट नेम इज सुदेशनास वर्ल्ड। कोलगेट आजकल बहुत ज्यादा चर्चे में है क्योंकि इतनी सी कोलगेट से बहुत कुछ काम हो सकता है, तो वो क्या है वही हम इस वीडियो में जानेंगे। तो इस खुशी में आप इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड हाय इफ यू आर न्यू। मैं हूँ सुदेशना और मेरे यूट्यूब चैनल सुदेशनास वर्ल्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ 5 स्किन केयर हैक्स यूजिंग कोलगेट ये शेयर करने वाली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, गेट पिंक लिप्स यूजिंग टूथपेस्ट। कोलगेट के इस्तेमाल से आपके डार्क लिप्स थोड़ा सा ठीक हो सकता है और उसके लिए आपको हर रोज आपके लिप्स को देने होंगे एक छोटा सा लिप ट्रीटमेंट, नहीं तो इस विंटर सीजन में आप देखोगे कि आपके लिप्स बहुत ज्यादा ड्राई और पैची दिख रही है। और लिप ट्रीटमेंट में सबसे पहले आता है लिप स्क्रब। तो ये लिप स्क्रब बनाने के लिए हमें चाहिए कोलगेट एंड सॉल्ट। आप चाहे तो आप इसमें थोड़ा सा लेमन भी यूज कर सकते। आप एक बोल में थोड़ा सा कोलगेट लीजिए और उसमें ऐड कीजिए सॉल्ट और बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। अब हल्के हाथों से एक पुरानी ब्रश की मदद से अपने लिप्स को स्क्रब कीजिए। इससे डेड स्किन सेल्स चला जाएगा और आपके लिप्स बन जाएगा एकदम सॉफ्ट एंड स्मूथ। अगर आप इसमें लेमन ऐड किया है तो लेमन में है विटामिन सी जो आपके लिप्स को लाइटन एंड ब्राइटन बनाएगा। तो इस तरह से 2 से 3 मिनट तक स्क्रब करने के बाद मैं इसे ठंडे पानी से धो लूंगी और उसके बाद निविया फ्रूटी लिप केयर लिप्स में अप्लाई करूंगी और पूरी रात इसे ऐसे ही रहने दूंगी। इससे मेरे लिप्स बहुत ज्यादा हाइड्रेटेड एंड सॉफ्ट एंड स्मूथ हो जाएगी। नंबर 2, रिमूव ब्लैकहेड्स एंड व्हाइटहेड्स यूजिंग कोलगेट। बहुत ही इजी एंड इफेक्टिव मेथड है ये। तो इसके लिए आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ कोलगेट एंड सॉल्ट। इस मेथड के लिए आपको सबसे पहले स्टीम लेना है ताकि आपके पोर्स थोड़ा सा ओपन अप हो सके और उसके बाद आपको चाहिए ये स्क्रबर। तो इस स्क्रबर बनाने के लिए आपको चाहिए टूथपेस्ट एंड सॉल्ट। एक बोल में थोड़ा सा टूथपेस्ट लीजिए और उसमें आप ऐड कीजिए सॉल्ट। इन दोनों को आप बहुत अच्छी तरीके से आप मिक्स कर लीजिए और आप अपने इफेक्टेड एरिया पे अप्लाई कीजिए। ध्यान रखिएगा सिर्फ और सिर्फ आपके इफेक्टेड एरिया पे, जैसे कि नोज एरिया पे अप्लाई करना है, पूरे फेस पे नहीं अप्लाई करना है। आप एक ब्रश के मदद से थोड़ा सा स्क्रब कर लीजिए इस तरह से। इससे आपके जो भी व्हाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स है वो निकल जाएगा और उसके बाद आप ठंडे पानी से धो लीजिए। और अब है मेन पार्ट, जो है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से टोनर यूज करना है ताकि जो पोर्स खुल गया था वो क्लोज हो जाए और दोबारा से उस जगह पर ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स ना हो। और हाँ गाइस, आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छा लग रहा है और अगर आप ऐसे अच्छा अच्छा वीडियो बार बार देखना चाहते हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही उसके बगल में जो छोटा सा बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस करना, नहीं तो आपके पास मेरे कोई वीडियोस का नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। नंबर 3, गेट ब्यूटीफुल नेल्स यूजिंग टूथपेस्ट। आप देखोगे कि आप बहुत दिनों तक कोई भी नेल पॉलिश यूज कर रही हो तो आपके नेल्स बहुत ज्यादा येलोइश एंड बहुत ज्यादा डर्टी हो जाता है, तो उसके लिए आपको चाहिए एक प्रॉपर नेल ताकि आपके नेल्स हमेशा ब्यूटीफुल एंड क्लीन रहे। तो इस नेल ट्रीटमेंट के लिए आपको चाहिए एक जबरदस्त पैक। तो इस पैक को बनाने के लिए हमें चाहिए टूथपेस्ट, सॉल्ट एंड कोई अच्छा सा फेस वॉश। मैं यहाँ पर न्यू फेस वॉश यूज कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को नेल्स के आसपास डर्ट जमा होकर वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो उसके लिए न्यू फेस वॉश बहुत ही अच्छा होगा। आप एक कटोरी में कोलगेट, सॉल्ट एंड फेस वॉश को लेकर बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। पुरानी ब्रश की मदद से नेल को क्लीन करने की कोशिश कीजिए। 2 से 3 मिनट तक ऐसे स्क्रब करने के बाद आप इसे ठंडे पानी से धो लीजिए।
ये देखिए मेरी नेल्स कितनी सुंदर एंड क्लीन दिख रही है, पूरी तरह से यही लग रही है कि मैं पार्लर में जाकर मैनिक्योर करवा के आई हूँ। नंबर 4, एक्ने स्पॉट ट्रीटमेंट। आपको अगर बहुत ज्यादा पिंपल्स हो रहा है तो वहाँ पर आप थोड़ा सा टूथपेस्ट का इस्तेमाल करके उसे आप दबा सकते हैं, उसे आप सुखा सकते हैं। इससे क्या होगा कि वो पिंपल्स और नहीं बढ़ेगा। फेस पर एक पिंपल्स है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा कोलगेट लेके उसमें अप्लाई कर लिया है, इससे ये सूख जाएगा और कोई भी स्पॉट नहीं रहेगा। और लास्ट नंबर 5, गेट रिड ऑफ बर्निंग सेंसेशन। अगर आपको किचन में कुकिंग करने के टाइम थोड़ा सा हॉट ऑयल अगर कहीं पर भी गिरता है और वहाँ पर आपको बहुत जलन होता है, तो वहाँ पर आप जल्दी से एक कोलगेट लाकर उस पूरी जगह को कवर करके अप्लाई कर लीजिए। इससे तुरंत आपको ठंडक मिलेगा और वो जगह बहुत जल्द सूख भी जाएगा। तो ये थी मेरी टोटल 5 स्किन केयर हैक्स यूजिंग कोलगेट। इसके अलावा कोई भी स्किन केयर हैक्स कोलगेट का नहीं है, तो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। तो प्लीज आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर कर दो, ताकि और भी लोगों को पता चले और भी लोगों का हेल्प हो सके। तो अगर आप मेरे साथ बात करना चाहते हो, मेरे लाइफ अपडेट जानना चाहते हो, तो मुझे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कीजिए। माय फेसबुक एंड इंस्टाग्राम हैंडल नेम से सुदेशनास वर्ल्ड। आई लव यू गाइस। तो मैं मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। मेरे और भी स्किन केयर के वीडियोस देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए, और मेरे वेबसाइट पे जाने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए।